कान्हा, बलराम कहाँ गए थे तुम दोनों? पहला मैं तुझे नहीं देखती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। यशोदा, लल्ला उचित तो कह रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ मैया, जब किसी प्राणी पर स्वयं माँ भगवती की कृपा हो तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाँ काकी, सो तो है। आज माता रानी ने हम सबकी रक्षा की, किंतु आर्य, वो दुष्ट दानव हमारे लल्ला के पीछे क्यों पड़ा था? भला हमारे लल्ला ने उसका क्या बिगाड़ा है? आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में किसी माता का मन नहीं घबराएगा तो क्या होगा? मुझे तो ये लगता है आर्य कि हमें गोकुल ही छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ हमेशा मुझे कान्हा की चिंता लगी रहती है, और अब तो कान्हा का जन्मदिन भी आने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हम कान्हा का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? यशोदा, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हम अपने गोकुल को छोड़कर नहीं जा सकते। किंतु आर्य, नहीं यशोदा। मैया, मैया मुझे कुछ नहीं होगा। आज जैसे देवी माँ ने मुझे बचा लिया, वैसे ही वो हमारी सदैव रक्षा करेंगी। हाँ लल्ला, ये तो तू सही कह रहा है। माता रानी सदैव हमारा साथ देती है। यशोदा, तुम्हारा लल्ला है इतना प्यारा, कोई भी उसके प्रेम में बंधा चला जाता है। भला भगवती माता की कृपा उस पे क्यों नहीं होगी? वो भी तो एक माता है ना। अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे कृष्णा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। काकी, आपकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। आप सही कह रही हैं काकी। मैया, बड़ी तीव्र भूख लगी है, मुझे माखन खाना है। अरे लल्ला, मैं तेरे लिए ताजा माखन तैयार करती हूँ। तू एक काम कर, तुम दोनों काकी को लेकर घर आ जाओ, तब तक मैं माखन तैयार रखूंगी, ठीक है लल्ला? हाँ मैया। आ जाइए काकी, चलिए। कान्हा, तुम बातें तो बहुत बनाते हो। अपनी माँ से माँ भगवती के विषय में कह रहे थे, जैसे तुम उन्हें स्वयं जानते हो। हाँ काकी, मैं सत्य ही तो कह रहा था। आजकल तो माँ की हम पर विशेष कृपा है, अन्यथा माँ भगवती ऐसे ही किसी के घर चलकर नहीं आती। और आज तो उन्होंने हमारी गोकुल की रक्षा जो की है, जानती हो, माँ भगवती को मेरे हाथों का माखन बहुत प्रिय है। काकी, लीजिए आप भी माखन खाइए ना। अच्छा, तो तुम पहचान गए कृष्णा? आपको ना पहचानूं, ये तो असंभव है। किंतु एक बात बताइए देवी, कि आप गोकुल किस प्रयोजन से आई हैं? कृष्णा, गोकुल आने का मेरा प्रयोजन क्या है, वो तुम्हें कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा।